ये देखिए, हमने ये मूली खेत की ही है, अच्छे से धो लिया है। और पत्तों में भी आप देख सकते हैं, जब भी आप पत्ते की कोई सब्जी बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि पत्तों में छेद नहीं होने चाहिए, कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे से 3-4 बार पानी में इसे धो के मिट्टी वगैरह साफ़ कर ली है। तो इससे बनाते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी। तो मूली के पत्ते हमने धो लिए थे और उनको इस तरह से बारीक काट लिया है। देखिए कितने फ्रेश ये मूली के पत्ते हैं और काफ़ी सारे हैं। दो मूली को भी हमने ऐसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले कुकर में हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि मूली के पत्तों का हमारा जो पानी है वो सूख चुका है, काफ़ी देर से हमने इनको रखा हुआ है। और सबसे पहले हम इसमें ये मूली डाल देंगे। तो जब भी आप मूली लाएं ना, मूली खा भी लें तो भी आप मूली के पत्ते जो है ना फेंकें नहीं। खाली पत्तों का भी अच्छे से बनता है, नहीं तो आप एक मूली डाल के, जैसे इसमें मैंने 2 मूली डाली हैं, आप एक मूली डाल सकते हैं, आप खाली पत्तों की बना सकते हैं। तो इस टाइप से मैं इसमें ये पत्ते डाल दूंगी, बहुत ही अच्छे से साफ किए हुए और धुले हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, है ना। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब। ये देखिए हमने अच्छे से इनको मिला लिया है पत्तों को, और अब हम कुकर को बंद करेंगे, 2 विसल आने देंगे। आप इसको खुले में भी पका सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम लगता है मूली के पत्तों को पकने में ना। तो जब तक मूली के पत्ते हमारे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम छौंक की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए हमने ऑयल लिया है सरसों का, 1.5 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून आप ऑयल ले सकते हैं। पहले अच्छे से उसको गर्म कर लिया, ठंडा कर लिया। अब गैस को मैंने ऑन किया है और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही है, 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च है, लहसुन को हमने 5 कलियां लहसुन को मैंने ऐसे कूट लिया है, कूटे हुए का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन है हमारा, अदरक है ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच, तो ये सारी चीजें हम इसमें डाल देते हैं और इनको हाई फ्लेम पर भूने लेते हैं। 2 प्याज को ना मैंने बारीक काट लिया है ऐसे, क्योंकि इसमें हम ना इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो प्याज मैं अच्छे से डाल रही हूँ इसमें, 2 प्याज हैं। ये ना मैंने सरसों का तेल लिया है, गैस को अभी धीमा कर दिया है मैंने, ये देखिए भुनना शुरू हो गया है। 2 पिंच के करीब ना हम इसमें हींग डाल रहे हैं। ये सब्जियां जो भी सर्दियों में आ रही हैं, लोकल ग्रो हो रही हैं, इनको आप जरूर 1-2 बार दिन में बनाइए, बहुत न्यूट्रिटिव हैं। इस समय हम डाल देंगे इसमें ये प्याज और इसको भी हम सॉटे करेंगे। अब मैं यहाँ आपको कुकर खोल लिया है, दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ना ये गल गई है, पानी भी इसमें ज्यादा नहीं है। आप देखिए जैसे मूली है ना, ये बहुत अच्छे से गल गई है एकदम, पत्ते भी बहुत अच्छे से गल गए। तो जब ऐसे गल जाए ना, तो मैंने 3 विसल आने के बाद ना फिर कुकर अपने आप ठंडा होने दिया, और थोड़ा सा ही पानी है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे और हल्के हाथ से ना, इसको पूरा नहीं निचोड़ेंगे, हल्के हाथ से निचोड़ के पानी अलग कर लेंगे और ये जो मूली और पत्तों का मिक्सचर है ये अलग कर लेंगे। तो इसको डालने के बाद ना हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से ना इसको निचोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं निचोड़ा है लेकिन निचोड़ लिया है, और बहुत सूखा नहीं किया है। जो ये पानी है जो बचा है उसको आप आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए प्याज बिल्कुल जो है वो भुन गई है, आपको मैं पास से दिखाऊं, देखिए अच्छे से भुन गई है ना, ज़्यादा हमने जलाया है इसको ना, इसको बहुत ही सॉफ्ट रखा है, बस एक भून लिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने तब भी डाली थी,
जब मूली के पत्तों को उबाला था, एक चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, थोड़ा डालेंगे हम किचन किंग 1 टीस्पून, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, ठीक है। हरी मिर्च हमने डाली थी, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे। गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम इसमें और इसको भी मिक्स करेंगे और बस ये हमारे मसाले तैयार हैं। थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हम डालेंगे इसमें ये जो हमने निचोड़ के स्क्वीज करके मूली के पत्ते और मूली की सब्जी तैयार की है। ये ना पत्ते देखिए थोड़े से हो जाते हैं बनने के बाद, तब तो कुकर भरा हुआ लग रहा था ना आपको कि बहुत अच्छे से भरा हुआ है, बहुत सारी सब्जी बनेगी, बट हाँ ये 4 से 5 आदमियों के लिए है, 4 से 5 सर्विंग आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको ना अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसका जो पानी वाला कच्चापन है ना वो निकल जाए, ठीक है। देखिए 4 से 5 मिनट हमें भूनते हुए हो गया है और इस समय मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। इससे सब्जी में शाइन आएगी और टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही यम्मी आएगा। आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ कहूँ कि गुड फैट भी आपको लेना चाहिए। तो ये आप सब्जी घी में बनाने के बजाय ऊपर से अगर आप 1 चम्मच डाल के देसी घी और इसको गर्म करके करेंगे ना सब, तो सब पूछेंगे कि ये कैसे बनी है। तो सर्दी में ये सब्जी ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग और ये देखिए धुआं निकल रहा है, कितनी बढ़िया ये मूली के पत्ते की भुजी लग रही है, सब्जी लग रही है। तो फेंकिए मत, ज़रूर बनाइए, कोई टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही यम्मी सब्जी बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।